सर, हमने कहा है जल्द से जल्द बिजली की जो समस्या है उसका समाधान होना चाहिए, उन्होंने आश्वस्त किया है। झारखंड में बिजली संकट जारी है, सोमवार को स्थिति और बिगड़ गई है। इसे लेकर राज्य सरकार क्राइसिस में जुट गई है। इसे लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन JBVNL के अधिकारियों के साथ बैठक किए। सोमवार लगभग 700 मेगावाट की लोड शेडिंग हो रही थी। शाम 5 बजे पूरे राज्य में केवल 970 मेगावाट बिजली उपलब्ध थी, जबकि जरूरत 1670 मेगावाट की थी, यानी 700 मेगावाट की लोड शेडिंग हो रही थी। राजधानी रांची में अब दिन और रात में भी लोड शेडिंग का सिलसिला जारी रहा। आधी रात में भी बिजली कटौती हो रही है। कैबिनेट द्वारा राशि स्वीकृत होने के बाद DVC को किस्त के रूप में 173 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है, पर बकाया 205 करोड़ का भुगतान नहीं हो सका है, जिसके कारण सेंट्रल पूल से बिजली पर रोक जारी है। DVC का ये बकाया जून माह का है। बताया गया कि 16 दिसंबर तक भुगतान न होने पर जुलाई माह का भी बकाया 2 करोड़ बढ़ जाएगा, यानी 400 करोड़ का बकाया हो जाएगा। नए नियम के अनुसार 16 तक भुगतान न होने पर ट्रिगर तब जाएगा, तब DVC से पूरी तरह बिजली मिलनी बंद हो सकती है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।